आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो अपने पास क्या है यहाँ पे, द गिवन फिगर शोज द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ आइस व्हेन इट्स हीटेड। तो मैंने क्या कि किसी आइस को हीट किया, उसका टेम्परेचर चेंज दिखाया अपन को। पहले आइस थी -2 डिग्री सेंटीग्रेड पे, उसको हीट करके अपने पानी बना दिया, वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी बन गया। वो बताना क्या, व्हाट इज द चेंज इन टेम्परेचर एज आइस कन्वर्ट्स टू वाटर। टेम्परेचर में चेंज कितना हुआ ये बताना है। तो अगर मैं स्केल बनाऊँ यहाँ पे, जो इनिशियली आई -2 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो यहाँ पे कोई, फिर उसके बाद वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गई होगी, फिर वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट होना स्टार्ट हो गई, फिर 1 पे, फिर 2, फिर 3, ऐसे चलते चलते वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे आई होगी। तो इसका टेम्परेचर डिफरेंस अगर अपन चेक करेंगे, इसका लेंथ चेक करेंगे, तो डिफरेंस कितना होगा, 12 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस हुआ। या फिर बोल सकता हूँ, अगर टेम्परेचर डिफरेंस बोलूँ मैं, तो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ये होगा डिफरेंस। तो इसको अपन चेक करेंगे तो ये होगा 12 डिग्री सेंटीग्रेड, ये टेम्परेचर डिफरेंस होगा पानी को जब अपन ने गर्म किया, आइस को जब गर्म किया -2 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक, इसको पानी बना दिया, तो टेम्परेचर डिफरेंस आएगा अपने पास, ये होगा -12 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसके अकॉर्डिंग अपना ऑप्शन जो मैच करा, दैट इज ऑप्शन फोर की टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए 12 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।